हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीके होम फर्नीचर वुडन वर्क। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही ख़ास वीडियो लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आखिर तक देखिए और वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो में यकीनन आपके पॉकेट में कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये बचने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको फर्नीचर बनवाना है रूम में या किचन में, तो किन बातों का ध्यान दें ताकि आपके पैसे बच सके, ये साइज़ के ऊपर डिपेंड होता है। 10 से 15 हज़ार रुपये यकीनन ही बचेगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, वॉल यहाँ पर कबर्ड बननी है। अब इसमें दिक्कत क्या है कि इसलिए पैसा आपका बचेगा, ये जो आपकी दीवार खड़ी हुई है इसको आप नहीं बनवाते हैं तो यकीनन आपका पैसा 10 से 15 हज़ार रुपये बच जाता। और इसको बनवाने का नुकसान क्या है कि आप इसको बनवा लिए हैं तो इतने भर में ही आपका वार्डरोब बनेगा और इससे ज़्यादा आप बड़ा बनवा नहीं सकते हैं, इससे बड़ा आप ज़्यादा बनवा नहीं सकते। तो दोस्तों, कम से कम इसको बनवाने में 10 से 15 हज़ार बन गया आपका, 10 से 15 हज़ार रुपये वेस्ट हो गया। इसमें आपका मॉडलर नहीं बन सकता वार्डरोब। तो आइए, हम आपको दिखाने वाले हैं अब किचन के बारे में। हाँ, तो दोस्तों देखिए, किचन में भी आपके कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये बच सकते हैं। ये जो आपने प्लेटफॉर्म ढलवाया है, यहाँ पे सीमेंट का प्लेटफॉर्म ढला हुआ है, तो दोस्तों इसको ना कराइए आप। और देखिए, यहाँ पर कई कई किचन में मैंने देखा है कि ऊपर भी रैक बनवा लेते हैं, तो ऊपर भी ना मॉडलर किचन बन सकता है ना तो नीचे बन सकता है। तो इसमें आपका 10 से 15 हज़ार रुपये यकीनन इसमें भी बचने वाला है। जैसे कि इसमें सेल्फ ढलवाया है, मिस्त्री की कॉस्ट लगभग आज के टाइम पे प्रयागराज में 700 से 800 रुपये पर डे है, लेबर की 500 रुपये पर डे है। यकीनन इसमें कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपये का मटेरियल लगेगा, प्लस आपकी लेबर जाएगी। और दूसरी चीज़, ये फिनिशिंग भी नहीं आ पाता और जगह कभी आपको बाई चांस किचन खोल के दूसरी जगह शिफ्ट करना हो तो आप नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम बताएंगे आपको कि इसका बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा ये डिवाइड है, तो इतने में ही हमको किचन बनवानी है। और यहीं पर हमेशा, यहीं पर आप देख सकते हैं ये पूरा एल शेप में बना हुआ है, इसी जगह पर किचन शिफ्ट रहेगा। दूसरी जगह कहीं अगर बाई चांस हमने रूम छोड़ा या कहीं और शिफ्ट करना हो किचन को, तो आप नहीं कर सकते हैं। अब इतने में हमको बॉक्स बना करके यहीं पर हमको ड्रावर लगा दिया और भी चीज़, तो उसके ऊपर जैसे कि आपका कैबिनेट बना करके, दोस्तों कैबिनेट बना करके हम उसके ऊपर खाली ग्रेनाइट रख देंगे तो ये आपका हो जाएगा मॉडलर किचन। तो आप बॉक्स को कहीं भी खोल करके शिफ्ट कर सकते हैं और ऊपर से ही खाली ग्रेनाइट का टॉप रख दिया जाएगा। तो दोस्तों, ना तो इसमें मजबूती में कमी आएगी ना तो फिनिशिंग में कमी आएगी। सबसे बड़ी चीज़ आपका इसमें बेनिफिट क्या है कि किचन हो या वार्डरोब हो, जैसे कि आपने अभी हम थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया पहले कि जो आप एक वार्डरोब की जगह छूटी हुई है उसको भी उसी जगह फिक्स हो जाएगा। कहीं आपको जगह चेंज करनी हो या रूम चेंज करना हो या फ्लैट वो आपको चेंज करना हो तो वो आप लेके जा नहीं सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि बन गया ये, तो आप यहीं पर बना रहेगा, आपका किचन दूसरी जगह शिफ्ट नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, ये नॉलेजेबल वीडियो है, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने आपके फ़ायदे की ही बात बताई है। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों, गुड बाय।